राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम के भक्त आज दमोह से बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा संयोजक पूर्व विधायक अजय टंडन के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त सुबह सुबह पैदल बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। शहर के हनुमानगढ़ी मंदिर में ध्वजा पूजन के पश्चात गाजे बाजे के साथ बागेश्वर धाम तक यह पैदल यात्रा प्रारंभ हुई। यह पैदल यात्रा 5 दिनों में बागेश्वर धाम पहुंचेगी। बालाजी हनुमान जी के आशीर्वाद और बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में भक्त बागेश्वर धाम की ओर पैदल यात्रा के लिए सुबह रवाना हुए। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र श्री बागेश्वर धाम के प्रति लोगों की आस्था किसी से छिपी नहीं है। मंगलवार और शनिवार को यहां पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचकर अपनी अर्जी लगाते हैं। वहीं पिछले साल दमोह के लोगों को भी पूर्व विधायक अजय टंडन के संयोजन में श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दमोह में भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त बड़ी संख्या में हैं। वहीं आज सुबह सैकड़ों की संख्या में भक्त बागेश्वर धाम पैदल रवाना हुए। यह यात्रा हटा मड़ियादो रचपुरा होते हुए बागेश्वर धाम पहुंचेगी, जिसमें यात्रियों के रुकने और भोजन की व्यवस्था यात्रा संयोजक पूर्व विधायक अजय टंडन के द्वारा की गई है। इस यात्रा को लेकर पूर्व विधायक अजय टंडन का कहना है कि 22 जनवरी को भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। वहीं यह पूरा कार्यक्रम अच्छे से निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इसके लिए वे बागेश्वर धाम तक सैकड़ों भक्तों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं इस यात्रा के आयोजन को लेकर क्या कुछ कहना था पूर्व विधायक अजय टंडन और उनकी बेटी पारुल टंडन का, आइए आपको सुनाते हैं। बागेश्वर धाम की यह यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। यह दिनांक कल यानी 21 तारीख से प्रारंभ हो रही है। ये कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? लगभग अभी जो हम लोगों ने बनाया है, कई जगहों पर रुकती हुई ये यात्रा दमोह से हटा मड़ियादो जंगल के रास्ते से कुलकुआ होते हुए सलैया होते हुए ये यात्रा बागेश्वर धाम पहुंचेगी। उद्देश्य क्या है? और यह यात्रा करीब 5 से 6 दिन में पूरी करने का उद्देश्य। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, और उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है, कि रामराजा सरकार 22 जनवरी को अयोध्या में गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। उनका यह काम
उनका यह कार्य बड़े अच्छी तरीके से हो जाए और प्रभु गर्भगृह में विराजमान हो जाए। यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है। आगामी दिनों में दमोह वासियों को पंडित जी के मुखारविंद से कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा क्या? अभी पहले हमारा एक प्रश्न हो जाए और यात्रा का जो उद्देश्य है वह यह उद्देश्य है क्षेत्र की खुशहाली के लिए, प्रियजनों की उन्नति के लिए और अमन चैन शांति बनी रहे प्रदेश के अंदर, हमारे जिले के अंदर मुख्य उद्देश्य यात्रा का ये भी है। अब आपने पूछा है कि महाराज जी की कथा का अभी हम लोग जाएंगे, वैसे उन्होंने हमें वादा किया था कि 2024 में, उन्होंने मंच से वादा किया था जब दमोह में कथा हुई थी कि 2024 में वह दमोह में पुनः कथा करेंगे और हम लोगों ने उनको राजी करने की कोशिश की है और जहाँ तक यह कथा 2024 में जागेश्वर धाम बानकपुर में होगी। क्या उद्देश्य है? हमारे पूरे दमोह वासियों को, दमोह क्षेत्र वासियों को सीताराम, बड़े ही खुशी की बात है कि हमारा दमोह शिष्य मंडल पद यात्रा करते हुए कल सुबह 6 बजे दमोह से निकलेगा। हनुमानगढ़ी में पहले माथा टेकेंगे हम लोग, पूजा अर्चना करेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे जो कि सबसे पहला पड़ाव हमारा है हटा, फिर उसके बाद हमारा पूरा दमोह की जो हमारी जनता हमारे साथ जा रही है उनकी रुकने की एवं भोजन की व्यवस्था मेरे पिताजी द्वारा की गई है और आगे भी कई जगहों पे हैं जो कि आपको हमारे पिताजी ने बताई दिया है कहाँ कहाँ हम लोग रुकेंगे किस किस तरीके से। खुशी की बात यह है कि दमोह के जितने भी शिष्य मंडल हैं एवं हमारी माताएं जो हैं वो हमारे साथ, मैं भी स्वयं भी जा रही हूँ यहाँ से पैदल चलने के लिए, बड़ी ही उत्साहित हैं और पापा ने पूरी चीज़ें आप लोगों को कवर कर दी हैं और बस आपसे सभी दमोह वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस धार्मिक कार्य में जुड़े जिससे हमारे प्रभु राम जो अयोध्या में वास करने जा रहे हैं अच्छे से वास करें और हमारे दमोह की जनता खुशी से रहे, मिलके रहे, एकजुट होके रहे, यही बस कामना प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में है। आप सभी लोग को से निवेदन है कि आप लोग सब इस यात्रा में शामिल हों। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।